डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 17 को सॉल्व करेंगे। इसमें डाटा हैंडलिंग दिया हुआ है चैप्टर 17 में। एक्चुअली मैं बता दूं आप लोगों को, एक सब्सक्राइबर के कहने के अनुसार मैं इसको बना रहा हूं। अदरवाइज मैं तो काफ़ी पीछे था, फिर भी मैं इसको बना रहा हूं। आप सभी लोगों को सपोर्ट मिलेगा इससे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में दो चार बातें जान लेंगे, ताकि हम लोगों को इस चैप्टर को समझने में बनाने में आसानी हो जाएगा। तो इस चैप्टर में दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म। इसमें डाटा हैंडलिंग में आप लोगों को एक बनाने को जो मिलेगा, तो उसमें एक टेबुलर फॉर्म होता है, तो उसको बनाने के लिए मिलेगा। उसके बाद पिक्टोग्राफ बोलते हैं, वो बनाने के लिए आएगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे इन सब के बारे में डिफिनेशन लिख के मैं नहीं दे रहा हूँ, तो मैं आपको इसका पिक्चर दिखा दूंगा, वो ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद टेलीग्राफ एक बोला जाता है, तो ये चीज़ आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। फिर बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, और अंत में लाइन ग्राफ। ये इतना सारा चीज़ इस चैप्टर में बेसिकली आप लोगों को मिलेगा। तो मैं इसका पिक्चर दिखा देता हूँ, अभी मेरे पास बुक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो है इस तरह का जो चार्ट बना हुआ है, आप देख रहे हैं। तो ये जो चार्ट बना हुआ है, टेली का जो मार्क्स होता है, टेली मार्क्स होता है, टेलीग्राफ एक्चुअली मैं लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे टेली मार्क्स होता है, तो ये जो दिया हुआ है इसको टेली मार्क्स बोला जाता है। और इस तरह का जो टेबल बनता है, तो इस टेबल को टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है ए टेबुलर फॉर्म एज अंडर, नीचे में एक टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है। टेबुलर फॉर्म एक हो, ये हो गया। ये बाद आप यहाँ पे देखिए, ये है, ये पिक्टोग्राफ हो गया। जस्ट ऊपर जो टेबुलर फॉर्म जो बना हुआ है, उसी का ये पिक्टोग्राफ में बनाया गया है। तो इस तरह का ये पिक्टोग्राफ होगा, जिसमें पिक्चराइज दिया हुआ रहेगा और उसमें बताया जाएगा हियर वन, और इस तरह का पिक्चर रिप्रेजेंट्स वन प्लेयर। तो यहाँ पे ये पिक्चर जो है वन दिखा सकता है या उससे अधिक दिखा सकता है, इस तरह से जितना भी दिखाएगा यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ये हो गया। उसके बाद मैं आप लोगों को दूसरा दिखाता हूँ। यहाँ भी टेली मार्क्स दिया हुआ है, पिक्टोग्राफ यहाँ भी बना हुआ है, और इस पिक्चर को आप देखिए, और इसको कहा जाता है बार ग्राफ। यहाँ पे एक ग्राफ कॉपी मिलता है, जो इस तरह का जो पतला पतला लाइन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो लाइनिंग उसमें ऑलरेडी बना हुआ रहता है, उसको ग्राफ कॉपी बोला जाता है। तो उस कॉपी में खरीद कर इसको बनाया जाता है। ये हो गया बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये सर्कल टाइप का जो दिया हुआ है, इसको बोला जाता है पाई चार्ट। पाई चार्ट यहाँ पे आपको नाम लिखा हुआ होगा, ये यहाँ पे देखिए, ये है पाई चार्ट। पाई चार्ट या चपाती लिखा हुआ है, तो पाई को चपाती चार्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये रोटी की तरह गोल रहता है, इसीलिए इसका नाम इस तरह से दिया गया है। अदरवाइज इसको पाई चार्ट ही बोला जाता है, ज़्यादातर लोग इसी नाम से जानते हैं। और अंत में ये जो है लाइन ग्राफ, आप देख रहे हैं लाइन ग्राफ। तो ये लाइन ग्राफ का इस तरह से बनता है पिक्चर। तो इस चैप्टर में आप लोगों को इतना कुछ पढ़ने का है, तो ये आप किस तरह से सीखेंगे, इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। एक्चुअली मैं आप लोगों को एक एक करके बताता जाऊँगा। तो आइए हम लोग आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 80 को। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 80 है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से मैंने सॉल्व किया है। तो इसमें क्वेश्चन जो है काफ़ी लॉन्ग होता है, लंबा क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन कम्प्लीटली लिखा नहीं है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस और नंबर वन हो गया इतना मैंने लिखा है। तो ज़्यादातर मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली बनाकर दिखाऊंगा, तो आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से बताया जाएगा कि रजत प्लेड द फॉलोइंग गेम इन द क्लास। एक इस तरह से गेम खेलता है, सभी बच्चे को एक बॉल दे देता है और उसको ऊपर फेंकने के लिए कहता है, और ऊपर से गिरने के दौरान, जब तक वो बॉल नीचे गिरा नहीं है तब तक कितनी बार वो ताली बजा सकता है। इस तरह से सभी बच्चे कुछ ताली बजाता है, कुछ बच्चे दो बार बजाता है, कुछ बच्चे एक बार, कोई पाँच बार बजा लेता है, कोई तीन बार, इस तरह से। और इस तरह से यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, और उसको जो है यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में बनाने के लिए कहा गया है। ये टेबुलर फॉर्म यहाँ पर मैंने बना दिया इसको, ये उसका टेबुलर फॉर्म बना हुआ है। यहाँ पे क्लैप्स, कितनी बार तालियां बजाता है, इस तरह से वन बार तालियां बजाता है, टू बार, थ्री बार, फोर बार, फाइव बार, कितने बच्चे वन बार तालियां बजाता है, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ टेली मार्क्स हो जाएगा, टेली मार्क्स, टेली मार्क्स हो जाएगा। और एक्चुअली यहाँ पे जो है टेलीग्राफ जो लिखा हुआ है, यहाँ पे टेलीग्राफ नहीं होगा, टेली मार्क्स होता है, तो इसको हटा देते हैं, और टेली मार्क्स, टेलीमार्क्स हो गया। और यहाँ पे टेलीमार्क्स मैंने लगाए नहीं है, तो आप किस तरह से टेलीमार्क्स बनाएंगे, तो टेलीमार्क्स ये जो नंबर दिया हुआ है इसी के अनुसार लगाया जाता है। तो फाइव, फाइव के लिए क्या होता है, फाइव आप लगा सकते हैं किस तरह से, वन टू थ्री फोर, और इसको एक बार इस तरह से क्रॉस काट देंगे, तो ये हो गया फाइव। और यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव हो गया, और वन सिक्स हो गया, यहाँ पे वन टू थ्री, और यहाँ पे फिर सिक्स देना है, एक ये हो गया, और यहाँ पे फिर जो है ये फाइव हो गया, और वन सिक्स हो गया, और ये थ्री, कम्प्लीटली ये हो गया। इस तरह से ये टेबल बनाने के लिए कहा गया है, और इसके अलावा इसमें पिक्टोग्राफ भी बनाने के लिए कहा गया है। तो पिक्टोग्राफ, इसी का पिक्टोग्राफ बनाया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है यूजिंग वन, ये पिक्चर एक छपा हुआ है, यहाँ पे इस तरह का पिक्चर देना है, और इस पिक्चर का मतलब है कि वन क्लैप, मतलब एक ताली। तो यहाँ पे अधिक से अधिक ताली कितना बार बजाया जा रहा है,
तो अधिक से अधिक 5 बार बजाया जा रहा है। तो इस तरह से एक पिक्टोग्राफ यहाँ पे बनाया जाएगा। यहाँ पे मैं बतला दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ पिक्टोग्राफ। यहाँ पे इस तरह का एक पिक्टोग्राफ बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ये पिक्टोग्राफ बनेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है 5, 6, 3। तो 5 स्टूडेंट जो है वो 1 बार बजा पाते हैं, और 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 बार बजा पाते हैं, और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3 बार बजा पाते हैं, 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 4 बार बजाते हैं, और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5 बार बजा पाते हैं। हियर वन, ये जो पिक्चर दिया हुआ है रिप्रेजेंट्स वन क्लैप, ये पिक्चर जो है एक ताली का सिंबल दिया हुआ है। इस तरह से पिक्टोग्राफ बनाया जाता है। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन इसका थोड़ा सा लिख के मैंने छोड़ दिया है। एक्चुअली क्वेश्चन काफी लंबा इसका आता है, और एक क्वेश्चन बनाने में जो है पूरा एक पेज पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है। इस तरह से आप मिला लेंगे, ये क्वेश्चन है। और रिप्रेजेंट्स वन, ये पिक्चर बनाने के लिए कहा गया है फॉर वन पर्सन, एक व्यक्ति के लिए ये एक सिंबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे वेजेस मतलब उन लोगों को पर डे का जो है कुछ पैसा मिलता है उन लोगों को काम करने में, तो ये पर्सन है, लोग हैं, और कुछ लोगों को 70 रुपीज़ मिलता है, कुछ को 80, और कुछ को 90, फिर 100 मिलता है। तो कितने लोगों को कितना मिलता है, तो टेली मार्क्स यहाँ पे लगा देते हैं। तो 70 रुपीज़ जो है 7 लोगों को मिलता है, इसको एक्चुअली यहाँ पे डालना है। तो 1, 2, 3, 4, ये 5 हो गया, और 2 लगा दिए 7 हो गया, फिर यहाँ भी 7 दिया हुआ है, तो 5 और ये 7, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है इस तरह से। तो पहले भी मैंने बताया पिछला क्वेश्चन में कि इसको अगर जोड़ते हैं और इसको काउंट करते हैं टोटल इसको, तो इन दोनों का इक्वल सेम नंबर आएगा। समझ जाइए कि आप जो है ये जो लगाए हैं पर्सन नंबर वो बिल्कुल सही है, इस तरह से होगा। तो ये आ गया टेबुलर फॉर्म, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनाने के लिए कहा गया है, तो इसे टेबुलर फॉर्म हो गया, और ये हो गया पिक्टोग्राफ इसका। तो यहाँ पे देखिए, वेजेस इन रुपीज, उन लोगों को जो दिहाड़ी मतलब दिन में मजदूरी जो मिलता है उसको वेजेस बोला जाता है। तो यहाँ पे 70 लोगों को मिलता है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक लोगों को। 70 रुपीज़ कितने लोगों को मिलता है, तो 7 लोगों को मिलता है, 7, तो 7 बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और 80 रुपीज़ जो है वो भी 7 लोगों को मिलता है, तो ये 7 बना हुआ है। और 90 रुपीज़ जो है वो 4 लोगों को मिल रहा है, और 100 रुपीज़ 2 लोगों को मिल रहा है। इस तरह से हियर वन, ये पिक्चर जो है रिप्रेजेंट वन पर्सन, एक व्यक्ति को ये सिंबल दर्शा रहा है। तो यहाँ पे इसका कोई कुछ आंसर भी है, ABCD करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है। ये एक आंसर हो गया 7 पर्संस, और मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, वो डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। बी नंबर में 2 पर्संस, 3 नंबर में 3 पर्संस, और डी नंबर में 20 पर्संस। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बतलाता हूँ आप लोगों को। यह क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया है, आप लोग इसको देखकर समझ जाएंगे। वेट्स दिया हुआ है, कुछ लड़कियों का वजन दिया हुआ है, तो वेट जो है इतना दिया हुआ है 25, 26, 27, 28 और 30। तो 16 लड़कियों का 25 है, 24 लड़कियों का 26 है, इस तरह से दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है। अब इसको जो है रिप्रेजेंट, इसको पिक्टोग्राफ में यहाँ पे टेबुलर फॉर्म बनाने के लिए नहीं कहा गया, एक तरह का ये टेबुलर फॉर्म यहाँ पे बना हुआ है, तो इसके बाद सिर्फ पिक्टोग्राफ में बनाने के लिए कहा गया, यूजिंग वन इस तरह का सिम्बल बनाने के लिए कहा गया है। ये ट्रेंगल जैसा सिम्बल है, इसको फॉर 2 गर्ल्स, इसमें दिखाएगा ये सिंबल 2 लड़कियों को दिखाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कितना है, 24। तो 24 को दर्शाने के लिए हमको 12 पिक्चर इस तरह से बनाना पड़ेगा, तभी हम 24 गर्ल्स को दर्शा सकते हैं। इसका टेबुलर, इसका पिक्टोग्राफ जो टेबल है वो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन से बड़ा हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा वेट इन केजी, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे वेट दिया हुआ है जो ऊपर में लिखा रहता है, यहाँ पे रहता है वो, और गर्ल्स हियर वन, ये जो पिक्चर दिखाया जा रहा है रिप्रेजेंट्स 2 गर्ल्स, ये पिक्चर, ये सिंबल जो है 2 लड़कियों को दिखा रहा है। तो 25 वेट का 16 गर्ल्स है, तो 16 का हाफ हो गया 8, इसका मतलब है कि ये जो पिक्चर बना हुआ है सिंबल, ये 8 सिंबल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 + 16 हो गया कम्प्लीटली। और यहाँ पे 26 kg का जो है, 26 kg का गर्ल्स जो है वो 24 है, तो यहाँ पे 12 सिंबल्स बना हुआ है, इस तरह से हाफ सिंबल्स बने हुए हैं, क्योंकि 1 सिंबल जो है 2 गर्ल्स को दिखा रहा है। तो इस तरह से ये पिक्टोग्राफ बन जाएगा। इसमें कुछ आंसर्स क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो उसका आंसर यहाँ नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है। ए का आंसर हो गया 8 गर्ल्स, बी का 30 kg, सी का 16 गर्ल्स, और डी का 16 गर्ल्स, यहाँ पे ये आंसर हो जा रहा है इसका। और क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 4, और इसका भी थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं टॉय कार के बारे में दिया हुआ है, मारुति 12 है, टोयोटा 42, इस तरह से एक टेबल यहाँ बना हुआ है, और इसको दिखाना है पिक्टोग्राफ में। तो पिक्टोग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, इसका सबसे ज़्यादा नंबर इसमें दिया हुआ है
सेंट्रो टॉय कार जो है उसमें सबसे ज्यादा नंबर है 54। और यहाँ पे कहा जा रहा है यूजिंग वन, ये पिक्चर दिया हुआ सिंबल फॉर सिक्स टॉय, ये एक सिंबल का मतलब है सिक्स टॉय कार्स। तो इसको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिक्स से हम 9, 6, 9 जा 54 आता है, इसका मतलब है इस सिंबल को अगर हम 9 बार बनाते हैं तो ये जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम इसको बनाए हुए हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्टोग्राफ ये है। तो इसमें टॉय कार्स दिया गया है, टॉय कार्स इस तरह से है, डिफरेंट टॉय कार्स यहाँ पे दिया हुआ है, मारुति टोयोटा सभी टॉय कार है। तो यहाँ पे हेयर वन सिंबल रिप्रेजेंट सिक्स टॉय कार्स, तो यहाँ पे 6, 6 इसका मतलब मारुति 12 हो गया। इस तरह से यहाँ पे 6 बार उसको डिवाइड करके दिया गया है, जैसे 42 हो गया, तो 6, 7 जा 42, तो 7 यहाँ सिंबल दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंट्रो 54 था, तो यहाँ पे 9 सिंबल दिया गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 6, 9 जा 54 हो गया। इस तरह से आप जो है इसको बना सकते हैं पिक्टोग्राफ। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था 4 नंबर में, तो उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर ए में 36 है, बी में 12 है, और सी में इसको मल्टीप्लाई करके 360 रुपीज़ ये आंसर है, और सी नंबर में डी हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे डी होगा, आंसर 32 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो जाता है, और इसमें थोड़ा सा बनाने में समय लग रहा है, इसीलिए मैं एक पार्ट में 4 क्वेश्चन तक देता हूँ, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो मैं इसके लिए दूसरा पार्ट बना दूंगा आप लोगों के लिए। बच्चों अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा है पढ़ाई में, तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।